बिछड़े हुए मिलेंगे फिर, बिछड़े हुए मिलेंगे फिर, किस्मत ने घर मिला दिया, किस्मत ने घर मिला दिया। उसका खुदा भला करे, उसका खुदा भला करे, जिसने हमें जुदा किया, जिसने हमें जुदा किया। बिछड़े हुए मिलेंगे फिर, किस्मत ने घर मिला दिया। नारसी और वो बिंदिया, मैं भी जिंदा हूँ तेरी माँ, तुझे देखने के लिए, तुझे जेल से बाहर
करती अपने बेटे से माँ जी जाओ घर जाओ लोग इकट्ठा हो रहे हैं होने दो लोगों को इकट्ठा मैं तो चाहती हूँ कि वो इकट्ठा हो और मैं उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहूँ कि देखो रे लोगों देखो मेरे बेटे को जो कभी झूठ नहीं बोला जिसने कभी किसी को गाली नहीं दी उस पर खून का झूठा इल्जाम लगा कर उसे उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया गया है हटो माँ गाड़ी छूटने वाली है और जो कुछ भी कहना है बेटे से जल्दी से कह डालो दस साल के बाद माँ बेटे से मिली है और तुम कहते हो जो कुछ कहना है जल्दी से कह डालो हटो माँ चलो जल्दी चलो बोलो 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 माफ कीजिएगा मिसेस दास मिसेस लाल ने मुझे आप ही को लेने भेजा मगर वहाँ एक शरीफ बदमाश से टक्कर हो गई और उसी में देर हुई कुली बेटी मैं वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ देखो मेरे भाई मुझे लेने आए हैं मैं इनके साथ जा रही हूँ और मिसेस लाल से मेरा नमस्ते कह देना और ये भी कह देना कि मैं सुबह में टेलीफोन कर दूंगी जीती रहो बेटी ले जाना कहाँ ले जाऊंगी इन्हें बांधे बांधे ले बेटी ले यहाँ कहाँ रहते हो माची चार कोस दूर अमन गांव में जहाँ नौकरी करती हूँ उसी के घर में रहती हूँ पता चला था मेरा बेटा लखनऊ जेल से मिर्जापुर जेल भेजा जा रहा है मुगल सराय में बदली 5 रोज से मुसाफिर खाने में पड़ी थी हर गाड़ी को दौड़ दौड़ के आकर देखती थी आज देख ले मिल गया गंगा माँ आधा वर्षा मुंशी बेटा ये मुंशी जी हैं जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ के गुमाश्ता मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था माँ जी सेठ जी ने तुम्हें नौकरी से अलग कर दिया है और तुम्हारी जगह एक दूसरी नौकरानी रख ली है क्या बेटा मैं तो बिना मौत मर गई तुम तो जानते हो नौकरी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है मैं जानता हूँ माँ जी लेकिन मैं क्या करूँ खुदा को यही मंजूर था ये लो तुम्हारी अमानत इतना बड़ा जोखिम मैं अपने पास कब तक रखूं? सोचा कि तुम मुगल सराई पर मिल ही जाओगी इसलिए यहाँ चला आया भगवान तुम्हें बड़ी उम्र दे लोग कहते हैं दुनिया से ईमान उठ गया है पर मैं कहती हूँ जब तक तुम जैसे इंसान मौजूद हैं ईमान कैसे उठ सकता अच्छा माँ तो मैं सेठ जी से बिना कुछ कहे यहाँ चला आया हूँ तुम जानती हो उस मरदूत को सुबह तक न पहुँचा तो मुझे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा इतने बाल बच्चे हैं भूखे मर जाएंगे हाँ हाँ बेटा तुम जाओ लेकिन तुम कहाँ जाओगी जहाँ भगवान ले जाएगा फिर से नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी अब इस बुढ़ापे पर कौन तरस खाएगा कौन नौकरी देगा मुझे आधा वर्ष खुश रहो बेटा अरे हाँ सामान संभाल के रखिएगा हाँ हाँ फिक्र न करना अब कहाँ जाओगी माँ सोच रही हूँ तुम रात मेरे यहाँ चल करो देखूंगी शायद अपने मालकन से कहकर तुम्हें नौकरी दिला सकूं वैसे जब तक तुम्हारे रहने का बंदोबस्त न हो तुम मेरे साथ रह सकती हो सच दो सवारी भाई दो सवारी लाल हवेली दो सवारी आइए बीबी जाइए लाल हवेली सिर्फ 1 रुपया सवारी 1 रुपया आइए आइए लाल हवेली का कहाँ होता है आखिरी गाड़ी छूट गई बीबी जी सब तांगे जा चुके आने हैं तो आइए वरना आपकी मर्जी चलो भाई दो सवारी मगर ये आगे कौन बैठा हो अपने बाबूजी हैं बीबी जी रास्ते ही में उतर जाएंगे राम मंदिर के पास आइए हेलो मैम साहब आइए बैठिए ना अरे माँ जी हम लोग दूसरे तांगे का इंतजार करेंगे दूसरा तांगा ना जाने कब मिले बीबी जी रात देखते देखते सुबह हो जाएगी आइए ठीक है हम सुबह ही जाएंगे ओहो आप सुबह क्यों जाएंगी मैं ही सुबह चला जाऊंगा तांगे वाले ले जाओ मैम साहब आइए बीबी जी बैठिए आइए बीबी जी आइए आइए मगर तीसरी सवारी तो फिर भी ढूंढनी पड़ेगी बीबी जी तीसरी सवारी के मैं पैसे दे दूं अच्छा देखिए मेरे साथ ये चाबी आपकी तो नहीं अरे ये चाबी तो मेरी है वाह 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 वा, कितने अच्छे हैं बाबूजी मैं कहता हूँ बीबी जी ने बैठा ही लीजिए मैं कहती हूँ तुम तांगा चलाओ अच्छा बीबी जी अच्छा मेरे साथ टाटा बाय बाय गुड नाइट बिछड़े हुए मिलेंगे फिर किस्मत ने घर खाना बीबी लो लो विकास आओ
पिछड़े हुए मिलेंगे फिर। यहाँ दुकान लूट गई और तुम्हें शायरी सूझ रही है। ठीक तो कह रहा हूँ करमवीर जी, किस्मत हमें इस सामान से जरूर मिलाएगी। यो प्यारे जाओ। विकास तुम तो हर बात को उतना ही आसान समझते हो जितनी तुम्हारी हाथ की सफाई। ये बात नहीं है करमवीर जी, ये हाथ की सफाई नहीं ऊपर वाले की सफाई है। मालूम होता है ईश्वर एक बहुत बड़ा जादूगर है और हमारे सुख दुख उसी के बदलते हुए खेल। ज्यादा चोट तो नहीं आई करमवीर जी? ये लीजिए बादाम खाइए और अपनी सेहत बनाइए। फिर वही शरारत, खिलाते हो चने खाते हो बादाम खाइए। अरे होशियार हो तो बादाम बनाकर दिखाओ ना। करमवीर जी बादाम भी बना सकता हूँ लेकिन खाने से पहले फिर चने बन जाएंगे। अपनी किस्मत में तो चने ही लिखे हैं। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा ये इशू के लिए क्या मसाला लाए हो? अगले इशू के लिए मैं बहरा नहीं हूँ। बिछड़े हुए मिलेंगे फिर किस्मत ने कर मिला दिया। अकलमंद को इशारा काफी, लड़की के हैंडबैग से माचिस की डिबिया, इनसे क्या समाचार बनेगा? समाचार इससे तो पूरी कहानी बन सकती है। कहानी मोहब्बत की, लेकिन लोग आजकल मोहब्बत की कहानी पढ़ना नहीं पसंद करते, फिल्म में देखना पसंद करते हैं। हमारे अखबार के लिए चाहिए गर्मा गर्म समाचार, जैसे कि एक खूबसूरत लड़की जलती हुई कढ़ाई में कूद पड़ी, खोए हुए मालिक को घोड़े ने सूंघ कर पहचान लिया, एक गोली से 6 आदमियों की मौत, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो गोली नकली थी। आप समझे विकास? ऐसी खबरें आप खुद ही बनाइए और खुद ही छापिए। मैं जाता हूँ, नमस्कार। ठहरो विकास, तो फिर क्या किया जाए? किया ये जाए कि किसी सनसनीखेज खबर है। इंतजार ही इंतजार में बरसों गुजर जाएंगे विकास। क्या बात करते हैं करमवीर जी, बनने वाली बात एक ही दिन में बन जाती है। लीजिए बादाम खाइए। जो मेरे बेटे को निर्दोष साबित करके उसे जेल से छुड़ा देगा उसे 10,000 रुपया इनाम या मिलिए केयर पोस्ट बॉक्स 999। करमवीर जी बात तो काम की मालूम होती है। क्या काम की मालूम होती है? ठीक कहते हैं आप, कार्रवाई अंधी थोड़ी हो सकती है कि एक बेगुनाह को जेल भेज दे। लेकिन माँ का दिल पुकार रहा है कि उसका बेटा बेगुनाह है। हाँ अपने बेटे को निर्दोष समझती है। ये इश्तिहार 5 साल पहले भी आया था। माँ की ममता का इश्तिहार है, वैसे बात में दम नहीं। उस वक्त इनाम 5,000 का था, अब 10,000 का है। तो फिर ऐसा करते हैं 5 साल और ठहर जाते हैं, जब इनाम 15,000 का हो जाएगा फिर कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक, अभी फेंको फेंको। विकास मैं कहता हूँ बात बनने वाली है, किस्मत हमारे पास आ रही है। ये कागज का टुकड़ा कह रहा है कि अरे मूर्खो यूं पैर फैला कर बैठे रहना काम नहीं बनेगा, दौलत तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही है, उठो उसका स्वागत करो। विकास मैं कहता हूँ तुम अब भी जाओ। इसी हो विकास, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ करमवीर जी, लेकिन जरा 6 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिली। ये तो मुझे भी मालूम है विकास, ये काम बनते ही मैं 6 महीने की तनख्वाह इकट्ठी दे दूंगा। माफ कीजिएगा, नीलिमा देवी से मिल सकता हूँ? क्या काम है? मोहन के बारे में जो इश्तार दिया था उसके बारे में कुछ तकलीफ देने आया हूँ। वेरी गुड, आइए आइए। मैंने ही इश्तार दिया था, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। मैं अभी अभी मिसेस दास से यही कह रही थी, मोहन के बारे में कोई नहीं आया। मैं आ गया हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे। देखिए इससे पहले आप कुछ पूछें, मैं आपको अपने डियर मोहन के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। जी यही बेहतर होगा। मोहन को मैंने बड़े नाजों से पाला था, मुझे उससे इतना लगाव हो गया था, जब तक मैं नाश्ता नहीं करती थी वो नाश्ता नहीं करता था, अगर कभी सोकर उठने में मुझे देर हो जाती थी तो खुद चल के मेरे पास आता था और बड़ी ही प्यारी आवाज करके मुझे जगाया करता था। वैसे तो उसकी आवाज ऐसी थी कि रात को आप रास्ते से सुन सकते थे, बहुत ही भरी हुई, बहुत ही बुलंद। आप लिखिए ना, लिखते जाइए। लिख रहा हूं। मेरे जानने वाले दोस्तों को देखकर मेरे मोहन की आंखों में प्यार उभर आता था, और अगर कभी मुझसे किसी ने झूठ मूठ जोर से बोलने की कोशिश की तो उसकी आंखें शेर थी। लिखते जाइए। लिख रहा हूं। मिसेस दास,
और क्या लिखवाऊं? और क्या लिखाओगी? उसकी तस्वीरें लाकर बता दो। उनकी तस्वीरें तो होंगी आपके पास। अरे एक ना जाने कितनी, पूरी गैलरी भरी हुई है। हर साल गिरा में फोटोग्राफर 2500 फोटो लेते थे उसकी, और वो भी इतना समझदार, जैसे उन्होंने चाहा खड़ा हो गया, जैसे उन्होंने चाहा बैठ गया। आगे लिखवाइए। इतनी जल्दी ना कीजिए, देखिए हम का गला भर आया है। माफ कीजिएगा। सब कुछ अच्छा था मेरे मोहन में, लेकिन एक ही खराबी थी, वो भी लोग कहते थे, लेकिन मेरी नजर में उसकी सबसे बड़ी यही खूबसूरती थी। वो क्या? उसकी 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 दुम कटी हुई थी। दुम से आपका मतलब? दुम का मतलब दुम यानी तेल। अरे आपको क्या हुआ? मेरा सर घूम गया है, पानी का एक गिलास मंगवा दीजिए। पानी? नीलिमा, और नीलिमा एक गिलास पानी लाना, और लिखिए। जी मुझे पानी पी लेने दीजिए। अच्छा, अरे मुझे नहीं चाहिए, इनको पानी दे। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मोहन किस गुनाह के लिए जेल भेजे गए, किस जुर्म के लिए उन्हें उम्र भर की कैद मिली? What do you say? ये क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा मोहन जेल क्यों जाएगा? वो तो सिर्फ भौंकना जानता था, काटना नहीं। माफ कीजिएगा, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ नजर आती है। गड़बड़ कुछ नहीं माता जी, इन साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये चीजों की हेराफेरी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ओह, तो आप मुझे चोर समझती हैं? हाँ समझती नहीं आप हैं। देखिए अभी अभी यहाँ गुलाब के दो फूल थे, उसमें से एक कहाँ गया? What? मैं कहती हूँ इनकी जेब की तलाशी ली जाए। मेरे जेब की तलाशी? जी हाँ। मेरे जेब की? देखिए माता जी चोर। मगर मैं फूल चुरा के क्या करूंगा? आदत सी बन गई। नीलमा पुलिस को टेलीफोन कर दे। जाने दीजिए माता जी, मामूली सी चीज है, लेकिन इनसे कह दीजिए कि फिर कभी यहाँ तशरीफ ना लाए। जाओ। सुना आपने? सुन लिया, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, प्लीज गेट आउट। माता जी मैं आपके लिए चाय ले आऊं? अरे चाय वाय कुछ नहीं, कुछ ठंडा ला। ओ मिस्टर क्या है? देखिए कि मैं आपकी कोई चीज नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन सुनिए मैं आपसे ये कहना मानता हूँ, उस रात का बदला आपने खूब लिया। आप क्या समझते हैं कि हाथ की सफाई सिर्फ आप ही का फन है? इसीलिए तो कहता हूँ मेम साहब मानता हूँ। लेकिन ये बताइए कि बेकार बहाना लेकर आपको मेरा पीछा करते शर्म नहीं आती? किसने आपका पीछा किया? मैं पूछता हूँ आप में ऐसी बात ही क्या है? तो फिर आप आए क्यों थे? इस इश्तार को पढ़कर। लेकिन मुझे क्या मालूम कि यहाँ पागलों से वास्ता पड़ेगा। पागल वागल कोई नहीं यहाँ, मेरी मालकिन का कुत्ता खो गया है, उन्होंने इसके लिए भी नाम जाहिर किया था, लेकिन ये इश्तार उनका नहीं। फिर किसका है? पता तो यहीं का है। आप चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए मुझे कहीं और ना फंसाइएगा, मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं। मुझे भी आप पर कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको उनसे मिला देती हूँ। चलिए देखिए, वो बेचारी गरीब बुढ़िया है और बहुत दुखी, उस पर अपनी हाथ सफाई ना कीजिएगा। बनना जानते हैं हाथ सफाई में मैं भी आपसे कुछ कम नहीं। जी आप इसकी फिक्र ना कीजिए। चलिए माँ इन साहब से मिलो, यह आपका दिया हुआ इश्तेहार पढ़कर आए हैं। मैं मालकन जी के पास जाती हूँ। बिछड़े हुए देखो, इनसे जरा दूरी से बात करना, कहीं कोई चीज पे हाथ साफ ना कर दे, इनका कोई भरोसा नहीं। ये वही मिस्टर है जो हम लोगों को स्टेशन पर मिले थे। वैसे तो देवी जी ने मेरी काफी तारीफ कर दी है माँ जी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके कुछ काम आ सकूं। जो मैं पूछूं उसका सच सच जवाब दीजिएगा। पूछो बेटा। मोहन आप ही के बेटे का नाम है? हाँ बेटा। उसे उम्र भर की कैद हुई? हाँ बेटा।
10 साल गुजर गए हैं ना? हाँ बेटा। आप ही ने अखबार में इश्तहार दिया था? जो मेरे बेटे को निर्दोष साबित कर देगा उसे 10,000 रुपए इनाम दूंगी। आप 10,000 रुपया इनाम देंगे? बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? क्यों बेटा? मालूम होता है मैं किसी पागलखाने आ गया हूँ। मैं कहता हूँ आपके पास 10 रुपए तो होंगे नहीं, 10,000 रुपया कहाँ से देंगी आप? क्यों आप अपने आप को धोखा देती हैं और अखबार में इश्तहार छपा के दुनिया को? सच कहते हो बेटा, मेरे पास 10,000 रुपए तो नहीं, 300 रुपए कम जरूर है, लेकिन न मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ और न दुनिया को। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? ठहरो, मैं अभी आई। ये देखो, ये देखो, 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 ये नोट झूठे नहीं है। ये सब आप कहाँ से लाए? इस हर नोट में मेरी मेहनत का पसीना सूखा हुआ है। अपने निर्दोष बेटे को छुड़ाने के लिए मैंने पाई पाई करके रुपए इकट्ठे किए हैं। सारी सारी रात काम किया है, सारे सारे दिन काम किया है। न सर्दी देखी, न गर्मी, न सूखा, न बरसा। मेरी आंखों के सामने मेरे निर्दोष मोहन की सूरत हमेशा घूमती रहती थी और मेरे हाथ से चलते रहते थे। इन फटे पुराने चीथड़ों को न देखो बेटा, के अंदर जो माँ का दिल छिपा हुआ है वो देखो, वो दिल जो करोड़ों की दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता। ये सब ठीक है माँ जी, आपकी ममता का अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन आपको ये कैसे यकीन हो गया कि आपका बेटा निर्दोष है? मुझे उतना ही यकीन है जितना ही माल है पवन। मैं उतनी ही सच्ची हूँ जितनी गंगा मैया। जाइए यहाँ से। पर मुंशी जी मुझे यही अमानत लौटाने आए थे। कल रात तू मुझे पूछ रही थी ना कि इश्तेहार तो दे दिया, 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे? मैंने बात टाल दी थी, यही वो रुपए हैं, 10,000 से कुछ कम जरूर हैं। इसीलिए मैं नौकरी के लिए परेशान थी कि कुछ और कमा कर 10,000 पूरे कर दूं। तू नहीं जानती बेटा मैंने ये रुपए किस तरह इकट्ठे किए हैं। भूखी रही, प्यासी रही, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। मैं समझती हूँ माँ, समंदर की गहराई का पता लग सकता है, लेकिन माँ के दिल में बेटे के प्यार का नहीं। जब तुमने इश्तेहार लिखने के लिए मुझसे कहा था तो मैं समझी तुम इतना बड़ा लालच देकर अपना काम निकालना चाहती हो। लेकिन माँ माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना माँ। अपने निर्दोष बेटे को छुड़ाने के लिए मैंने पाई पाई करके रुपए इकट्ठे किए हैं। मेरे पास 10,000 रुपए तो नहीं, 300 रुपए कम जरूर है। सारी सारी रात काम किया है, सारे सारे दिन काम किया है। न सर्दी देखी, न गर्मी, मेरी आंखों के सामने मेरे निर्दोष मोहन की सूरत हमेशा घूमती रहती थी। के अंदर जो माँ का दिल छिपा हुआ है वो देखो, वो दिल जो करोड़ों की दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता। नमस्ते करमवीर जी, रात नींद नहीं आई क्या? नहीं, मैं रात भर सो नहीं पाया। रात मैंने एक ऐसा सुंदर सपना देखा, क्या बताऊं? सुंदर सपना देखा, लेकिन कल मैंने जो काम बताया था उसका क्या हुआ? उसी के बारे में तो आपको बता रहा था मगर आप सुनते ही नहीं। ओह, लेकिन तुम तो सुंदर सपने की बात कर रहे थे। हाँ, वो सुंदर सपना जो एक दिन सच होकर रहेगा। उस बूढ़ी औरत का वो रोना जिसमें 10 साल से अपने बेटे की जुदाई का गम छुपा था, गलत नहीं हो सकता। करमवीर जी, मेरा दिल कहता है कि उसके ऐलान में सच्चाई है, हकीकत है, उसका बेटा। हाँ, मैं ही चलूं, अकेले ही चलूं। देखिए, आपको इस काम में मेरी मदद करना होगी, 10,000 रुपए का सवाल है, कोई मजाक नहीं। मदद तो क्या, मैं अपनी जान दे दूंगा। वचन देते हैं? आई प्रॉमिस, प्राण जाई और वचन न जाई। तो कल ही अपने अखबार में यह हेडलाइन दीजिए, एक बेगुनाह को 10 साल पहले उम्र भर कैद। नहीं, ये नहीं हो सकता,
हमारा अखबार बंद हो जाएगा विकास। करमवीर जी आ गई, आपका अखबार कौन सा चल रहा है? लेकिन ये तो आंखों देखे आग में कूदना है, मैं ये नहीं छापूंगा। बस हार गए ना हिम्मत, बड़ी ढींगे मार रहे थे, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं फिर कहता हूँ प्राण न जाई पर ये न हो छपाई। करमवीर जी मुझ पर भरोसा रखिए, यही एक मौका है। नहीं, एक बार अखबार में ये खबर आने दीजिए, सब रास्ते खुलते जाएंगे, चाहे हजारों रास्ते खुल जाए लेकिन मैं ये नहीं छापूंगा। नहीं छापेंगे आप? नहीं, नहीं छापेंगे आप? नहीं, 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 नहीं। माँ, माँ ये देखो, तुम्हारे मोहन के बारे में इस अखबार में खबर आई है। एडिटर ने पुलिस डिपार्टमेंट से प्रार्थना की है कि वो इस मामले में एक बार फिर नजर डाले और असलियत का पता लगाए। ये किसकी मेहरबानी है बेटा? अखबार का नाम है प्रकाश, एडिटर का नाम है करमवीर जी। ये जो हम लोगों ने इश्तेहार दिया था ना, ये उसी का असर है। ठीक है बेटा, मुझे एक बार जरूर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जरूर, लेकिन मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? बेटा तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं? हाँ बेटा। मैं आपके साथ। नीलिमा जी। नीलिमा क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं। अपने मोहन के बारे में कोई इधर आया? जी नहीं, कोई नहीं है। हाँ एक आदमी का फोन आया था, कहता था एक कुत्ता मिला है, आकर देख जाए। अगर आप कहे तो मैं खुद जाकर देखा। हाँ हाँ जरूर 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 जाओ, अगर और जरूरत हो तो मेरी गाड़ी भी लेती जाओ। जी बहुत अच्छा। तुम कहो तो मैं भी आऊँ। जी नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं। अगर वो अपना मोहन ही निकला तो मैं आपको वहां से टेलीफोन करके बुला लूंगी। ओ राइट राइट राइट, मैं अपने डियर मोहन के लिए अच्छे अच्छे बिस्कुट ले आऊंगी। जी बिछड़े हुए मिलेंगे फिर, किस्मत ने घर मिला दिया। आप? जी नमस्ते, मैं आप ही के यहाँ जा रहा था। तो आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे? देखिए आप गलत समझ रहे हैं। मैं ठीक समझ रही हूँ। खैर ये तो वक्त बता देगा, फरमाइए मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मदद करने वाले की सूरत और होती है। कैसी होती है? देखिए जान न पहचान और अखबार में इतनी बड़ी हेडलाइन दे दी। ओहो तो आप इन साहब का शुक्रिया अदा करने जा रही हैं? जी हाँ। देखिए शुक्रिया यहीं अदा कर दीजिए ना। आपका? जी। पहले अपनी सूरत देखाई आईने में? सूरत आईने में देखने की क्या जरूरत है, आपकी इन दो खूबसूरत आंखों में देख लिया बस हो गया। खैर जिन साहब का शुक्रिया अदा करने आप जा रही हैं उनकी अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो वहाँ जाकर मालूम हो जाएगा। चलिए माँ जी। जी हाँ जी हाँ। क्या कहा, इतना साहस कैसे हुआ? अजी साहस क्यों ना हो साहब, आखिर सच्चाई झूठ के पर्दे में कब तक छुपी रह सकती है? बताऊं कि जिस तरफ मैंने कदम उठाया वहाँ आग ही आ गए, लेकिन मैं नहीं डरता। हाँ नमस्ते। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी सेवा तो मैं आपकी करने आई हूँ, प्रकाश के एडिटर श्री करमवीर जी आप ही हैं ना? जी हाँ। देखिए आप है श्रीमती गंगा देवी, जिनके लड़के मोहन के अपने अपने अखबार में हेडलाइन दी। ओ तो आप ही हैं, आप ही ने 10,000 रुपए का ऐलान किया था। हाँ बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोई हुई जनता को जगा दें और वो मोहन को बेगुनाह साबित करने के लिए सरकार के सामने अपनी प्रार्थना रखें। हाँ तुम्हारे बहुत बड़े उपकार। माता जी इसमें मेरा उपकार मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब मेरे रिपोर्टर की हिम्मत का नतीजा है, मैं खुद उसका एहसान मंद हूँ। अरे उसने ये खबर छाप के मेरे प्रकाश को फिर से जनता के सामने ला दिया, वरना लोग तो मेरे अखबार को भूल ही गए थे। हाँ नमस्ते करमवीर जी। भाई विकास ये और मोहन की माँ। नमस्ते। नमस्ते। फरमाइए मेरी सूरत पहचान लिया आपने? जी जी हाँ। एक्सक्यूज मी, अब आप मेरा शुक्रिया अदा कर सकती हैं। मुझे और शर्मिंदा न कीजिए। अच्छा देखिए अगर आपको कोई खास काम हो तो आप मुझे इस नंबर पे फोन कीजिए, 3003। और अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो मेरा नंबर है 4004। बहुत अच्छा माँ जी, चलिए नमस्ते। हेलो
कर्मवीर स्पीकिंग, कर्मवीर एडिटर, एडिटर पुलिस कमिश्नर विकास, विकास क्यों 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 क्या बात, क्या बात है? हेलो, जी हाँ, मैं प्रकाश के ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या फरमाया आपने? कमिश्नर साहब, हमारे एडिटर साहब से? जी जी, अच्छा, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें संतान नहीं है और तुम दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती हो कि तुम्हें संतान हो। महाराज अंदर आइए, अंदर आइए महाराज, पधारिए महाराज, आइए। जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे। आइए पधारिए, बैठिए महाराज। जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे। ये हमारी छोटी सी कुटिया है महाराज। कुटिया तो 10 साल पहले थी मैया, अब तो महल है महल। सच कहते महाराज, आज से 10 साल पहले हम सचमुच एक छोटे से घर में रहते थे। जय दुर्गे, जय दुर्गे। आज से 10 साल पहले तुम सोच रही थी कि 2 दिन के बाद दिवाली है और घर में पूजा के लिए 1.25 रुपया तक नहीं, मगर ठीक दिवाली के दिन ही तुमने इस घर में प्रवेश किया। सच है महाराज। जय दुर्गे, जय दुर्गे। दिवाली से 2 दिन पहले हमारे घर में आटा तक नहीं था, उसी रात ये 1.25 रुपया ले आए, 2 दिन के बाद ये मकान खरीदा, बहुत से जेवर बनवाए, न जाने भगवान ने इन्हें दौलत कहाँ से दे दी। जय दुर्गे। किंतु दुर्गा कहती है तुम्हारे पति ने इस धन को किसी नीच कार्य से प्राप्त किया था और इसीलिए तुम्हें संतान नहीं होती। ओ, ओ, जोगी जी, क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें इतनी दौलत कहाँ से मिली? बता सकता हूँ, किंतु समय लगेगा, इसके लिए बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। मैं पूजा करूंगी, आप जितना कहेंगे खर्चूंगी, लेकिन बताइए इतना रुपया कहाँ से मिला? समय आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैया, अब जोगी जाएगा। महाराज, जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी, आप ये भूल गए, फिर कब आएंगे महाराज? उड़ते पंछी और बहती धारा का क्या ठिकाना, लौट के आए या ना आए, फिर भी मेरी राह देखना बेटा। नमस्ते। गजब की बात है। जोगी क्या था, भगवान था, उसने मेरा नाम भी बता दिया, मुझे संतान नहीं ये भी बता दिया, आज से 10 साल पहले हम कंगाल थे, आज माला माल है ये भी बता दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी से फालतू बात नहीं करना। ये फालतू बात कहा है? अरे उल्लन, तुझे कुछ नहीं मालूम। तुम मुझसे छुपाते क्यों हो, सच बताओ तुम्हें ये दौलत कहाँ से मिली? ये जोगी से पूछ लिया होता ना। उसी ने कहा है। क्या कहा है? मैं पूछता हूँ क्या कहा? कि ये दौलत तुम्हें किसी नीच काम से मिली है। ये कहा है? ये कहा? हाँ, 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 क्या हो गया, हाँ, क्या हो गया? शाम को मोहल्ले में नाचने वालियों के पद्मों पर जब दौलत लुटाई जाती थी, श्यामा अपने दरवाजे बंद करके ताकि कोई दूसरा ना आ जाए मेरे इंतजार में गाया करती थी, कोई आ जाए, कोई आ जाए,
मैं एक मासूम गरीब आदमी हूँ, उसने मेरे लिए दुनिया की दौलत की परवाह नहीं की। भला आप ही बताइए, मैं उसका खून कर सकता हूँ? मैं उसका खून कर सकता हूँ? फिर तुम्हारा शक किस पर है, बनारसी लाल पर? मैं कैसे कह सकता हूँ, खून उसके बंगले पर जरूर हुआ था, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। श्यामा वहां क्यों पहुंची? बनारसी लाल ने उसे दावत दी थी, लेकिन श्यामा ने मेरे पास संदेशा भेजा था कि मैं उसे वहां मिलूं। किसके हाथ संदेशा भेजा था? बिंदिया के हाथ। बिंदिया उसकी सहेली। बिंदिया वहां थी, लेकिन उसने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी कि मैंने श्यामा का खून किया है। बिंदिया कहां है? मैं नहीं जानता। लोग कहते हैं कि वो मर गई, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है। और ये चरणजी लाल कौन है? मैं किसी को नहीं जानता। मैं किसी को नहीं जानता। मैं अपनी माँ को नहीं जानता। मैं बनारसी लाल को नहीं जानता। मैं चरणजी लाल को नहीं जानता। मैं सिर्फ बिंदिया को जानता हूँ। वो उस वक्त वहां थी जब मैं श्यामा को कमरे में छोड़कर बाहर आया था। उसी वक्त गोली की आवाज सुनाई दी थी और साथ ही श्यामा की चीख। गोली किसने चलाई? गोली कहां से आई? ये सिर्फ बिंदिया जानती है। सिर्फ बिंदिया जानती है, या मेरा भगवान जानता है? मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं बेगुनाह हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं बेकसूर हूं। लेकिन तुमने कोर्ट में ये सब कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने सब कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन अदालत तो वही मानेगी जो गवाहों ने कहा। मैं ये नहीं कहता कि अदालत का फैसला गलत है। अगर मैं भी अदालत की कुर्सी पर बैठा होता तो गवाहों का बयान सुनकर वही फैसला करता जो उन्होंने फैसला किया है। न मुझे फैसले से गिला है, न फैसला करने वालों से गिला है। मुझे गिला है तो सिर्फ बिंदिया से। बिंदिया, मैंने तेरी मोहब्बत को ठुकराया, इसलिए तूने मुझसे ये बदला लिया। बिंदिया तेरा कभी भला नहीं होगा। बिंदिया तेरा कभी भला नहीं होगा। बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया इस गुत्थी को सुलझा सकती है। और बिंदिया जिंदा है या मर चुकी है, ये बनारसी लाल ही जानता होगा। करमवीर जी, बोलो। जरा 3803 को टेलीफोन कीजिए। तुम ही टेलीफोन करो, मुझे तो टेलीफोन छूते हुए डर लगता है। हेलो, आप कौन? जी मैं मिसेज लाल बोल रही हूँ। ओ मिसेज लाल, नमस्ते। जरा नीलमा को बुला दीजिए। क्या काम है? जी जी मोहन के बारे में। मोहन? जी हाँ, मिल गया, मेरे पास ही बैठा है। जी जी जी, अच्छा जरा ठहरिए। करमवीर जी, जरा थोड़ी देर के लिए भूखिए प्लीज। स्वीट मोहन, सुना आपने, आप ही को याद कर रहा है। बिल्कुल मेरे मोहन की आवाज है। बिल्कुल मेरे मोहन की आवाज है। उन्हें फिर से जरा टेलीफोन पर बुलाइए। फिर से? फिर से? जी अच्छा। नीलमा, नीलमा सुनो, मोहन मिल गया। मोहन, मोहन मुझसे बातें कर रहा है। नीलमा आ रही है। सुनो सुनो, हेलो मोहन, मैं विकास बोल रहा हूँ। नीलमा तुम यहाँ फौरन आ जाओ, जल्दी आ जाओ ना। नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं आ सकते, आप ही लेकर यहाँ ले आइए। करमवीर जी, मुझे ही जाना होगा। तो जाओ। जी मैं मोहन को लेकर अभी हाजिर हुआ। थैंक यू, मेनी थैंक्स। ठीक है, तुम कटा कुतम कर लाइए। क्या मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। मैं
मुझे दुनिया हंसी जब पास होती हो। लगती है दुनिया हंसी जब पास होती हो। मेरे दिल में है एक बात कह दो तो भला क्या है। मेरे दिल में है क्या बात कैसे बताऊं क्या है। प्यार वो ऐसा ही होता है। ओ जैसा कहा तुमने मुझे वैसा ही होता है। कहते हैं जिसको प्यार वो ऐसा ही होता है। मेरे दिल में है एक बात कह दो तो भला क्या है। मेरे दिल में है क्या बात कैसे बताऊं क्या है। घड़ी में ये घड़ी में वो हर रंग की हर अदा है। तेरे दिल में है क्या बात कैसे बताऊं क्या है। मेरे दिल में एक बात कह दो तो भला क्या है। आप लोग इस बात को तो अच्छी तरह जानते हैं कि आपने जो हेडलाइन दी है वो सरकार और कोर्ट के लिए एक चैलेंज है जी। मैं पूछ सकता हूं कि आपको कौन सा सबूत मिला है जिसकी बिना पर आपने इतना खतरनाक कदम उठाया है। बोलो भाई विकास जी। इस वक्त तो हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन मैं मुजरिम की माँ से मिला था। उसे पूरा विश्वास है कि उसका बेटा निर्दोष है। देखिए मुझे भी मोहन की माँ से पूरी हमदर्दी है, लेकिन जनता के नौकर होने की हैसियत से मुझे दूसरी बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए आपको एक तारीख मुकर्रर करनी होगी। जी एक महीने का वक्त दिया जाए। क्यों मरवा रहे हो विकास? हुजूर एक साल का वक्त दिया जाए। मैं आप लोगों को दो महीने का वक्त देता हूँ। अगर इन दो महीनों के अंदर आप अपनी बात को साबित न कर सके तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, याद रहे। लेकिन सरकार दो महीने बहुत कम होते हैं, ये तो बच्चा है, मामले की गहराई को कुछ समझता ही नहीं। मैं दो महीने से ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। अब आप लोग जा सकते हैं। चलिए गर्म दीजिए। चलिए हेलो नीलिमा स्पीकिंग। कौन कर्मवीर जी? आप अगर अपने अखबार में मोहन के बारे में लिखना बंद ना करोगे तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे, समझे? क्या हुआ, क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, ये तो बंद कर दिया। क्या हुआ, क्या बात है? मौत की धमकी दे रहा। मौत की धमकी दे रहा था? मौत की धमकी? वो मारा। ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या बिल्कुल ठीक? देखा आपने एक हेडलाइन कहा सर? मैंने कहा था ना आपको, एक बार पेपर में आने दीजिए, सब रास्ते खुलते जाएंगे। मेरी जान सूखी जा रही है और तुम कहते हो सब रास्ते खुलते जाएंगे। बस चंद दिनों बाद 10,000 रुपए अपने हाथ में। लेकिन मिस्टर विकास मेरी राय मानिए, आप ये जहमत बेकार उठा रहे हैं। केस बहुत पुराना हो गया है, और फिर जरा सोचिए तो उस वक्त जज और ज्यूरी ने जो फैसला किया होगा अच्छी तरह सोच समझ कर ही किया होगा। ये बात तो ठीक है शर्मा जी, लेकिन माँ का दिल कहता है उसका बेटा निर्दोष है।
हर माँ यही समझती है कि उसका बेटा निर्दोष है। मैं भी इसी ख्याल का था, लेकिन उसकी माँ से मिलने के बाद मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जी ये फाइल है। माफ कीजिएगा, मैंने पढ़कर कुछ पॉइंट्स नोट करूंगा और साथ ही साथ ये मालूम करूं कि मोहन के खिलाफ किन लोगों ने गवाही दी थी। बड़ी खुशी से। शुक्रिया। That's all right. हुजूर, मालूम होता है कि साहब का स्क्रू कुछ ढीला है। हमें इससे क्या मतलब, प्लीज हमें पैसे मिल जाने चाहिए। अजी वो तो मैं अभी लिए लेता हूँ। खुदा करे ऐसी मौत की घंटी हर रोज बजती रहे। हेलो। समझा। हाँ समझा। दिन भर वकील साहब के दफ्तर में मोहन की फाइलें देखता रहा। कहते हैं दिन भर वकील की आप पुरानी फाइल देखते रहे, भगवान खुश रखे। माँ जी आपको आशीर्वाद देती है। और आप? बेटी नीलमा, मोहन की कुछ खबर मिली? जी। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। जी हाँ, उसी के बारे में पूछ रही थी। नीलमा, नीलमा आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। खैर सुनिए, माँ से कह देना कि कल मैं बिंदिया और चरणजी लाल के घर का पता लगा रहा हूँ। सबसे पहले शायद मैं दिलबहार होटल में जाऊँ। दिलबहार होटल में जाने की जरूरत नहीं, उसके मालिक को मैं जानती हूँ। जी यस यस, और जितने तुमने नाम लिए है ना वहाँ जरूर चले जाना। कुत्ते वाली बुढ़िया मालूम होती है। और देखो बेटा, इतना जरूर याद रखना, मोहन के दो मुंह कटे। खून किसी और ने किया है, हो सकता है जज और जूरी भी गलती कर सकते हैं, दुनिया में हर बात मुमकिन। यही चीज साबित करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। भगवान आपकी मदद करें, अगर मैं किसी लायक हूं तो हुक्म कीजिए। जरूर, आपके बिना मैं इतनी बड़ी गुत्थी कैसे सुलझा सकता हूं। हाँ, ये चरणजी लाल कौन है? चिरंजी लाल? कौन चिरंजी लाल? मैं किसी चिरंजी लाल को नहीं जानता। ओ, और ये बिंदिया? ये श्यामा की सहेली थी, मुकदमे का फैसला होने के बाद फिर कभी दिखाई नहीं दी। कुछ अरसा पहले मैंने सुना था कि वो अपने गांव चली गई और श्यामा के गम में वो भी इस दुनिया से चल बसी। ओ, माफ कीजिएगा आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं, यू आर ऑलवेज कम। थैंक यू। चरणजी लाल नाम के किसी आदमी को जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। इसी चाल में इसी कमरे में रहता था करीब 10 साल पहले। आजकल कहाँ रहता है? आज वो राजा फाटे के सामने जो नीले रंग का बंगला है ना, उसी में रहता है। वो बंगला भी उसी का है। भगवान जाने सट्टे का नंबर लगा है या डर्बी की लॉटरी। एक दिन में कमरा छोड़ा और दूसरे दिन बंगले का मालिक हो गया। सब किस्मत की बात है बाबू, सब किस्मत की बात। जी नहीं, मेरा नाम तो चुरंजी लाल ही है। भगवान के लिए तुम पूजा करो, तुम पूजा। मैंने अर्ज किया था ना कि आप तशरीफ ले जा सकते हैं, यू कैन गो इजी। थैंक यू। दैट्स ऑल राइट, सैल्यूट। क्या बात है करमवीर जी? जब से पुलिस स्टेशन से आया हूँ मेरा सर भट्टी हो रहा है। हटा दीजिए इसे। क्यों? बस काम बन गया। शाबाश मेरे सेठ, बताओ असली खूनी कौन है? इतनी जल्दी कैसे बता सकता हूँ? तो फिर क्या बात है? आज चरणजी लाल से मुलाकात हुई, मेरा पहला सवाल सुनते ही उसका चेहरा जर्द हो गया। आज से 10 साल पहले वो एक मामूली आदमी था, आज एक बंगले का मालिक है। शाबाश, मैं अभी कमिश्नर। नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी तो इस राज का पता लगाना है कि वो इतना बड़ा रईस कैसे बना। मगर पता चलेगा कैसे? यही तो सोचना है कि कैसे पता चलेगा। हाँ, ये सब उसकी पत्नी से पता चल सकता है। तो उसकी पत्नी से जाके मिलो ना। कैसे मिलूं? कैसे मिलूं? हाँ, उसकी पत्नी बहुत बड़ी भक्त है, दिन रात पूजा करती है। सोचो सोचो सोचो। अगर हाँ खैर, आपको एक बात फौरन करना होगी। बताओ। कल ही अपने अखबार में एक हेडलाइन दीजिए। क्या?
कि चरणजी लाल इतना बड़ा रईस कैसे बना। नहीं 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 नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। लक्ष्मी लक्ष्मी की हो? जब देखो पूजा, जब देखो पूजा, हर वक्त पूजा करती रहोगी। जरा इधर आओ, इधर आओ। क्या है? देखो अगर कोई आए जाए तो उसके साथ कोई उल्टी सीधी बात ना कर बैठे, बराए मेहरबानी अपने मुंह को जरा बंद रखना, समझ गई? जोगी आया लेके संदेशा भगवान का, जोगी आया लेके संदेशा भगवान का। ध्यान धरो रे भाई, ध्यान धरो रे, ध्यान धरो रे भाई, धर्म का ईमान का। जोगी आया लेके संदेशा भगवान का, जोगी आया लेके संदेशा भगवान का। तेरी भलाई साथ है तेरे, तेरी बुराई साथ है तेरे। जो भी किया है तूने यहाँ रे, उसका नतीजा हाथ है तेरे। लिखे तेरी करनी का लेखा हो, लिखे तेरी करनी का लेखा। जो मालिक है जहान का, जोगी आया लेके संदेशा भगवान का, जोगी आया लेके संदेशा भगवान का। चुपके से जाके सोच अकेले, क्या क्या तूने खेल है खेले। देखा है तूने अपना ही सुख रे, चाहे कितने कोई दुख झेले। भूल गया हरी दीन दया मैं हो, भूल गया हरी दीन दया मैं। वो साथी ना धनवान का, जोगी आया लेके संदेशा भगवान का, जोगी आया लेके संदेशा भगवान का। मत भटके तू ओ संसारी, लोभ मोह की है अंधियारी। आते जाते खाएगा ठोकर, पड़ी रहेगी दौलत सारी। अपने मन के कोने में तू, अपने मन के कोने में तू। अब दीप जला ले ज्ञान का, जोगी आया लेके संदेशा भगवान का, जोगी आया लेके संदेशा भगवान का। ध्यान धरो रे भाई, ध्यान धरो रे, ध्यान धरो रे। अच्छा समझा, तो आप इश्तिहार देना चाहते हैं किसी एक बुढ़िया के लिए जो आपके चिड़ियाघर के परिंदों का ख्याल रख सके। जी जी जी।
मेरे ध्यान में वैसी एक बुढ़िया है, मेरा रिपोर्टर विकास उसको नौकरी दिलवाने ले गया है, अभी आता ही होगा। बैठो बैठो, बहुत मेहरबानी होगी। माँ जी ये है गुंगा, मैं तो दुकान पे बैठते ही नहीं, यही बैठता है बेचारा, ना मुंह से बोल सकता है और ना सुन सकता है, इसका भी ख्याल रखना होगा। इसका ख्याल रखने के लिए भी तो माँ जी को कुछ पैसे चाहिए। क्या छोटी सी बात कहते हैं बाबूजी, अरे ये सब दुकान माँ जी की तो है, उसमें एक पंछी ये भी है, अगर उसका ख्याल रखा तो क्या हुआ, जो ना मुंह से बोल सकता है ना कान से सुन सकता है। अच्छा माँ जी नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। अच्छा माँ जी तो हम भी चले देखें आज दिन बाहर होटल में क्या गुल खिलता है। हाँ बेटा संभल कर काम लेना और बिटिया का भी ख्याल रखना। तुम फिक्र ना करो माँ, चलो नीलमा। हेलो सेठ साहब। हेलो, हमारा नाम पापा खान और ये मैडम बिलबिलान है। ओ हेलो। हेलो, सारी दुनिया की सैर करके आया, बहुत मशहूर जादूगर है। मगर जादूगर कौन है, आप या मैडम? जादूगर हम है लेकिन दिखाई मैडम देता है। बहुत खूब सेठ साहब, वेरी गुड जोक, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर पापा खान। लेकिन सेठ साहब हमारी मैडम का जादू दिल पर चलता है और हमारा जादू सर पर। हमने सुना कि आपके होटल में एक बहुत शानदार जलसा होने वाला है, हम चाहता है कि हम अपना कमाल दिखाए और नाम कमाए। हाँ हाँ जरूर, सिर्फ नाम ही क्यों दाम भी कमाइए। क्या रेट्स हैं आपके? रेट्स की बात बाद में करेंगे, पहले आप हमारा कमाल देखिए। अच्छी बात है, आप हमारे मेहमानों का दिल खुश कीजिए, हम आपका दिल खुश करेंगे। मंजूर मंजूर। हम आपका दिल कैसे खुश कर सकता है जब आपने हमारी हसीना का दिल दुखाया। वो कैसे, मैंने क्या किया? आपने हमारी हसीना का रुमाल अपनी जेब में डाल लिया। मैडम का रुमाल मेरी जेब में? भाई वाह कमाल है, वंडरफुल, बहुत अच्छी। और अगर ना दूं तो? ना दो। अच्छा सेठ साहब तो हम लोग अपना तैयारी करता। अच्छी बात है, चलो मैडम बिलबिलान। सेठ साहब थैंक यू। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं हूँ पापा खान खेल दिखाता हूँ जादू के, खेल दिखाता हूँ जादू के, वतन मेरा ईरान। मैं हूँ पापा खान पापा खान पापा खान पापा खान पापा खान। मैं हूँ पापा खान मैं हूँ पापा खान। लंदन घूमा पेरिस घूमा इटली घूमा सिसली घूमा, लंदन घूमा पेरिस घूमा इटली घूमा सिसली घूमा, चीन गया जापान, अब आया हिंदुस्तान, अब आया हिंदुस्तान। पापा खान पापा खान पापा खान पापा खान। मैं हूँ पापा खान मैं हूँ पापा खान। टोपी वाले अरे टोपे वाले टोपी वाले टोपे वाले पगड़ी वाले पगड़ा वाले टोपी वाले टोपे वाले पगड़ी वाले पगड़ा वाले गोरे गोरे काले काले आज मेरे मेहमान। सबका दिल बहलाना है करके कुछ दिखलाना है, करके कुछ दिखलाना है कि जाए तुमको मान। ओ मैं हूँ पापा खान पापा खान पापा खान पापा खान पापा खान। ओ मैं हूँ पापा खान।
पापा खान। देखो वहाँ जो बैठे हैं गुपचुप मिस्टर जॉन, पूछो उनसे क्या मांगता देगा पापा खान। मिस्टर जॉन तुम क्या मांगता देगा पापा खान? आंखें हैं तीर बोए हैं कमान, मैं जाऊं कुर्बान ओ मैडम बिल बिलान। हम डांस करना मांगता ओ मैडम बिल बिलान। पापा खान ओ पापा खान, मिस्टर जॉन डांस करना मांगता। अच्छा ऑल राइट ऑल राइट। देखो वहाँ जो बैठे हैं गुप गुप मिस्टर खान, अरे पूछो उनसे क्या मांगता देगा पापा खान। मिस्टर खान तुम क्या मांगता देगा पापा खान? ये हुस्न ये शबाब हर अदा लाजवाब, दिल हुआ चाहता है बेईमान। हम डांस करना मांगता ओ मैडम बिल बिलान। पापा खान मिस्टर खान डांस करना मांगता। अच्छा ऑल राइट ऑल राइट। मिस्टर जॉन मिस्टर खान दोनों मांगे बिल बिलान, मिस्टर जॉन मिस्टर खान दोनों मांगे बिल बिलान। है हुनर के देने वाले रख लो अपनी शान। होता है जैसे ये भी कोई जादू का खेल हो आपका। जी आप भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं मिस्टर पापा का। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू, यू अप्रिशिएट इट। कश पापा खान, कश चलो, कशम कश चलेगा। मैडम बिल बिलान जाने के लिए कह रही हैं। अजी चलने बलने की बात छोड़िए, आपको किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। अब तो आपको हर हफ्ते यहाँ एक प्रोग्राम करना पड़ेगा और आपके रहने का इंतजाम भी मैंने कर लिया है। ओ ये बात है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। नो मेंशन, नो मेंशन मैडम बिल बिलान। चलिए मैडम बिल बिलान। तशरीफ लाइए मिस्टर पापा खान। ओह यस, ये है ड्राइंग हॉल। ओह वेरी गुड। इसे खास खास में डांसिंग हॉल की जगह भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। नीलमा,
ये झूमर का गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था, जानबूझकर हम पर गिराया गया था। जानबूझकर गिराया गया था, मगर क्यों? हमारी जान लेने के लिए, क्योंकि हमारे दुश्मन को मालूम हो गया है कि तुम मैडम बिलबिलान नहीं हो और मैं पापा खान नहीं हूँ। मगर ये सब कैसे मालूम हुआ? यही तो समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे मालूम हुआ। इस राज को तो सिर्फ करमवीर जी और माँ ही जानते हैं। खैर, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मेरी फिक्र? हाँ। क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या? तो मेरा क्या होगा? Oh, my God.
के चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए ओ नीला मुझको आए। कस पापा खान। थैंक यू मैडम बिलबिलास। Cheers to you. Thank you. बिंदिया, तुमने ठीक पहचाना। ये तोता हमेशा बिंदिया बिंदिया की रट लगाता है। जरूर बिंदिया का इस घर से कोई ताल्लुक होना चाहिए। अब रास्ता साफ मालूम होता है। बनारसी। गुड मॉर्निंग पापा खान। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, हम मैडम बिलबिलान से जरा लव की बातें करता। गुड मॉर्निंग मैडम बिलबिलान। गुड मॉर्निंग सर। सेठ साहब, हम आपसे एक परमिशन लेना मांगता। हुक्म कीजिए। हम मैडम बिलबिलान को इस सिटी का बहुत अच्छी सी जगह पे ले जाना मांगता। ओह आई सी, जरूर जरूर, क्यों नहीं। लेकिन देखिए शो के टाइम पर जरूर पहुंचाइए। ओह डेफिनेट, इट्स अ प्रॉमिस। थैंक यू, ख्याल रखिएगा। सेठ साहब, आपका सिगरेट होल्डर। सिगरेट होल्डर मेरे पास था। पापा खान। ओ मैडम बिलबिलान। नमस्ते मां जी। अरे तुम लोग आ गए तो क्या? मैं तो इसी फिक्र में थी कि क्या हुआ। अभी अभी तुम्हारे वो दोस्त आए थे, वो अखबार वाले। नहीं है, मेरे मालिक हैं। वो बहुत घबराए हुए मालूम हो रहे थे और स्टेशन गए हैं और कह रहे थे कि तुम्हारी भी वहाँ जरूरत है, तो तुम चले जाओ बेटा, नीलिमा यहाँ मेरे पास ठहरेगी। पुलिस स्टेशन तो मैं चला जाऊँ, लेकिन इससे पहले आपको कुछ काम दिए जाता हूँ। आपके यहाँ कोई इसी तरह जरूर साबित करके रहेगा कि मोहन बेगुनाह है। करमवीर जी, मैं सब बातें सुन रहा था। माफ कीजिएगा, जरा ऊंचा सुनते हैं। तुम ठीक वक्त पर आ गए मिस्टर विकास। तारीख 11 मुकरर हुई है, उस दिन ये केस कोर्ट में दोबारा खोला जाएगा। अगर तुम लोग अपनी दी हुई खबरों को सच साबित न कर सके, ये मामला हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कमिश्नर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बताई हुई तारीख तक मैं सारे सबूत पेश कर सकूंगा। शाबाश विकास, शाबाश। मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ मिस्टर विकास कि तारीख 11 बहुत सुन लिया विकास जी, अब जाना चाहता हूँ। थैंक यू सर। यस मैडम बिलबिलाल। कस हम कस सोते कस से बात कस कस आता। ओ मस मैडम बिलबिलाल, मस डू गो, जाओ जाओ। यस तोता तुम्हारा पड़ा हुआ है, ये जरूर किसी की चाल मालूम होती है। मस मैडम बिलबिलाल, मस जीना, मस मरना, मस दुनिया, मस की मस रीत है। मस चलो साहब, खाना तैयार है। खाना तैयार है। मैडम बिलबिलान और हम आज खाना नहीं खाएगा, आज हम गम खाएगा। तुम आराम करो। चलो मैडम बिलबिलान। मुझे तो बड़ा डर सा लगने लगा है। मैं पूछती हूँ ये तोता अचानक कैसे चल पड़ा? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था। मैं भी यही सोच रहा हूँ नीलिमा। और बनारसी लाल के सामने हमने कोई ऐसी शक वाली बात भी नहीं की। बिंदिया का नाम तक नहीं लिया। हमारा यहाँ भेष बदल कर आना, तोते का बिंदिया बिंदिया कहना, ये सब बातें तो हमने माँ को कही थी। हाँ, शायद परिंदों वाले। तुम ठीक कहती हो नीलिमा, बिंदिया का जिक्र हमने वही किया था। हो सकता है वो आदमी गूंगा और बहरा ना हो। हाँ, और वो बनारसी लाल का जासूस हो। ठीक, हमें उस आदमी का ख्याल रखना होगा। और उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। Thank you.
तुम्हारी जान खतरे में है, हमें इस वक्त यहाँ से जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं नीलमा, मैंने जो काम अपने हाथों में लिया है उसे पूरा करके छोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग पापा खान। ओह वेरी बैड मॉर्निंग सर, सो वेरी बैड मॉर्निंग। क्या हुआ? कल रात हम शो से वापस आया तो हमने वो तोता डेड पाया। ओह मैंने भी अभी देखा, अच्छा हुआ बुढ़ा था, निजात मिल गई उसे। और तो सब खैरियत है ना? ओ आप खैरियत की बात करता, हम खुद मौत के मुंह से बच के आया। जिस पलंग के ऊपर हम सो था उधर हमने इतना लंबा कोबरा, यू नो स्नेक, सांप पाया। वो तो हमारे ऊपर झपटने वाला था मगर अच्छा हुआ मैडम बिलबिलान ने देख लिया और उसने हमारा जान बचाया। घबराने की कोई बात नहीं पापा खान, जंगल का मामला है, अचानक आ गया होगा। खैर देखिए पापा खान, आज आपकी जान बची, इस खुशी में रात को दावत होनी चाहिए। दावत? यू मीन पार्टी? यस सर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ लंदन पार्टी। और देखिए मैडम बिलबिलान का डांस। डांस? यस, इट्स अ डील सर साहब, इट्स अ डील। मगर प्रॉमिस, अब के सांप नहीं आएगा। आई प्रॉमिस, मैं किशोरी को बोल दूंगा, वो पूरा पूरा ख्याल रखेगा। थैंक यू सर। नो मैन, थैंक यू। नो मैन। नीलमा, तुमने तो आज कमाल कर दिया, मालूम होता था बोतलों की बोतलें खाली कर दी हूँ। और तुम क्या कुछ कम थे? मैं मैं तो सचमुच की पी रहा था। झूठ नहीं, सच, तुम्हारे रूप का अमृत। शायरी छोड़ो और ये बताओ कि आज रात क्या करना होगा। आज रात? हाँ, आज रात।
तो ये बात है। बोलो दुनिया कहाँ है? कौन बिंदिया? मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते? मेरे हुतु, मुझे छोड़ दीजिए। मैं बता दिया गया। मैं बताता हूँ। मोहन को सजा हो जाने के बाद उसी रात को बिंदिया यहाँ इस कोठी में शमशेर के हवाले कर दी गई। शमशेर उसे ले गया। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। शमशेर कौन है? ये मैं नहीं जानता। कहाँ रहता है? मैं नहीं जानता। जो मैं नहीं जानता ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आप मुझे छोड़ दीजिए। अंते अगर उस दिन आपको पता लग गया कि ये राज मैंने आपके सामने जाहिर कर दिया तो वो मुझे जिंदा न छोड़ेगा। मुझे छोड़ दीजिए, मेरी जान बख्शिए। अगर तूने जरा गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। मैं हरगिज गड़बड़ नहीं करूंगा। नीलमा, क्या हुआ? बिंदिया का पता चला। हाँ। लेकिन वो भी अधूरा। क्या मतलब? बिंदिया को शमशेर सिंह के हवाले कर दिया गया है। फिर? अब शमशेर सिंह का पता लगाना होगा। मगर ये सब कैसे होगा? हमारे पास तो सिर्फ दो दिन है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा नीलमा। हाँ। हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। कोर्ट में केस है बेटा, अब क्या होगा? ये तोता भी बिंदिया बिंदिया नहीं बोलता। कोई बात नहीं माँ जी, बिंदिया का पता चल गया। अगर शमशेर पता चल सकता है तो बिंदिया कहाँ जाएगी? शमशेर का पता कहाँ चला? तुम नहीं जानती हो, मैंने तुम्हें नहीं बताया। आज शाम को ठीक 7 बजे मैं शमशेर से मिलने वाला हूँ। माँ जी, कल कोर्ट में मुलाकात होगी और मैं ये साबित करके रहूंगा कि मोहन बेकसूर है। तुम कोई चिंता न करो। जीते बेटा। चलो नहीं जाओ। क्या कहा तुमने? मैसेज कहता हूँ, विकास आज शाम को 7 बजे शमशेर सिंह से मिलने जाने वाला है। उसे शमशेर का पता कहाँ से मिला? ये मुझे नहीं मालूम। शमशेर, 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 शमशेर। शमशेर, मैं तुमसे यही पूछने आया था कि बिंदिया को उसी दिन खत्म कर दिया था ना? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी खतरे से खाली मालूम नहीं होती। शक क्यों हो रहा है? मुझ पर भरोसा नहीं रहा? भरोसा? अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। अपने आप पर नहीं रहा, तुम पर नहीं रहा। मुझ पर भरोसा नहीं? तुम यहां से निकल जाओ। शमशेर सिंह, जाओ यहां से निकल जाओ। शमशेर सिंह, कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे इशारे पर मैंने उस मासूम लड़की का खून कर दिया और उस राज को आज 10 साल से अपने सीने में छुपाए हुए हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो शमशेर सिंह। दरअसल बात यह है कि कुछ लोगों को शक है कि बिंदिया जिंदा है और उन्हें यहाँ का पता भी मालूम हो गया है। किसी वक्त भी यहाँ आ सकते हैं। आने दीजिए, जो भी आएगा उसे शमशेर से टक्कर लेना होगा। शाबाश।
मालूम होता है रास्ता भूल गए। नहीं, मैं आपकी मंजिल पे आया। खूब, क्या खातिर की जाए आप? आपका नाम शमशेर है जी, हुक्म कीजिए। मैं आपसे कुछ पूछने आया। किसके बारे में? बिंदिया के बारे में। तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया? अभी अभी बनारसी लाल तुमसे मिलकर गया है। बोलो बिंदिया कहाँ है? बिंदिया कहाँ है? ये मैं नहीं बता सकता। शमशेर सिंह, मेरी बात का जवाब दो। बनारसी लाल ने बिंदिया को तुम्हारे सुपुर्द क्यों किया? उसे कत्ल करने के लिए। और तुमने? और मैंने उसे कत्ल कर दिया। बिंदिया ने मरते वक्त तुम्हें कुछ कहा? वो कुछ कहना जरूर चाहती थी, लेकिन लेकिन मेरे दिमाग पर चांदी के चंद टुकड़ों ने मुझे पागल बना दिया था और मैंने उस मासूम का खून कर दिया। ये किसकी आवाज थी? लोगों का कहना है कि इस जंगल में भूत रहता है और वही कभी कभी चीखता है। चलो नीलमा चले। तो भाई, ये किसकी आवाज़? भूत, भूत, भूत। Thank you.
बिगड़े तकदीर बना जाए, उजड़ा संसार बसा जाए, कोई आ जाए कोई आ जाए। निकाला शमशेर, कहां से तेरे दिल का देवता जाग उठा? मार दे ये छोरा और दे दे मुझे जिंदगी से निजात। मार दे मुझे। मुझे मार डालो शमशेर, मुझे मार डालो। बस तेरी इन्हीं अदाओं ने उस दिन भी मेरे हाथ कमजोर कर दिए थे और आज भी मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे हाथ थका रहे हैं लेकिन मेरा दिल मजबूत है। तो खत्म कर दे इस दास्तान को। यही तो अफसोस है कि मैं अपने हाथों अपनी मोहब्बत का खून नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज से 10 साल पहले तेरी इन्हीं आंखों को देखकर मेरी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली थी और मैं आज तक अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर भी तुम्हें जिंदा रखा सिर्फ इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत। लेकिन अब इस अफसाने को मुझे खत्म कर देना होगा। अब झूठ ज्यादा छिपाया नहीं जा सकता। शमशेर सिंह, छोड़ दो बिंदिया को। मैं कहता हूं छोड़ दो इसे। खोल दो देवी, खोल दे,
तेरा सब कुछ किया जालिमों ने, और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बिंदिया, अब बिंदिया भी नहीं कहीं जा सकती। बिंदिया, ये तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुम्हारा साथी बिंदिया को यहाँ से उठा कर ले गया। जब तक वो वापस नहीं आएगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्या बिंदिया जिंदा है? हाँ बिंदिया जिंदा है। विकास! और जोर से चिल्लाओ। विकास! नीलिमा! जोर से चिल्लाओ। विकास! मैं भी आता हूँ। और जोर से चिल्लाओ। विकास! और जोर से चिल्लाओ। विकास! और जोर से चिल्लाओ। नहीं हो सकता। नहीं विकास, तुम जाओ। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सुबह होने वाली है और आज मौके का दिन है। जाते वक्त वही गाना याद करो जो हमने अपनी पहली मुलाकात पर सुना था। पिछड़े हुए मिलेंगे फिर, किस्मत ने घर मिलाएंगे। शमशेर सिंह, मैं तुम्हारा तोड़ दूंगा। शमशेर सिंह, कोशिश बेकार। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते, या तो ये खूबसूरत लड़की मेरे पास रहेगी या बिंदिया। मुझे ये शर्त मंजूर है। नीलिमा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं जानती हूँ विकास, तुम उससे मोहब्बत करते हो और उसके लिए अपने फर्ज की कुर्बानी कर रहे हो। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हूँ। शमशेर, सौदा हो चुका। बिंदिया को विकास के साथ जाने दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन बनारसी लाल को मैं क्या जवाब दूंगा? बिंदिया की कचहरी पहुँचते ही बनारसी लाल का फैसला हो जाएगा। उसके हाथों में लोहे की हथकड़ियां होगी और तुम्हारे हाथों में मेरे हाथ। हाँ तो मिस्टर कर्मवीर जी। श्रीयुत कर्मवीर जी कहिए। सॉरी श्रीयुत कर्मवीर जी, आप कहते हैं कि मुजरिम मोहनलाल बिल्कुल बेगुनाह। मैं नहीं कहता, मेरा रिपोर्टर विकास कहता है। लेकिन आपने अपने अखबार में इस मामले पर रोशनी डाली है और इस बात को साबित करने का दावा भी किया है। मैं अभी भी पीछे नहीं हटता। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल पहले अदालत ने उसे बिलावजह इतनी बड़ी सजा दे दी। आप जानते हैं श्री कर्मवीर जी, आपने ये कहकर इंसाफ को चुनौती दी है कि 10 साल पहले वो अंधा था। कभी नहीं, 10 साल पहले इंसाफ के सामने असलियत को काले का कि क्या सच है और क्या झूठ है। हाँ दीजिए कि मैं जीता जागता सबूत आपके सामने पेश करूं। श्यामा मेरी हमदर्द और जिगरी सहेली थी। वो मोहन से प्यार करती थी और बेहद प्यार। जिस रोज श्यामा का खून हुआ उस रोज बनारसी लाल के बंगले पर करीब 6:25 पर श्यामा और मोहन 6:30 हो गए। बनारसी लाल के आने का वक्त हो गया, अब तुम जाओ। ऐसा कब तक चलेगा श्यामा? बस थोड़े दिन और, मैं बनारसी लाल को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चली चलूंगी। श्यामा, मैं तुम्हारे बगैर ज्यादा जिंदा नहीं रह सकूंगा। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, लेकिन अब तुम जाओ। साल पहले तुमने कहा था कि खून मोहन ने किया है जी। तो तुमने झूठ बोला था जी। तुमने ये भी कहा था कि मुझे कत्ल करने के लिए गायब कर दिया गया जी। लेकिन तुम तो जिंदा हो। ओह, तुमने वो भी झूठ बोला था जी। नहीं, उसने मुझे कत्ल नहीं किया बल्कि कैद कर रखा था। कत्ल नहीं किया? क्यों? वो मुझसे मोहब्बत करता था। अच्छा, चरणजी लाल जी, ये तो बताइए आप एक-एक रईस कैसे हो गए? जी, लक्ष्मी ने मेरा साथ दिया था। लक्ष्मी से मतलब आपकी पत्नी से है? जी नहीं, आई मीन टू से गॉडेस लक्ष्मी। यूं कहिए कि भाग्य ने आपका साथ दिया। यू कैन से सो, आप ये फरमा सकते हैं। कहीं जमीन में गड़ा हुआ सोना मिल गया? जी नहीं तो फिर? जी माफ कीजिएगा, मैंने रेस खेली थी। ओ, मिस्टर बनारसी लाल,
आप पर यह तोहमत लगाई गई है कि आपने श्यामा का खून किया। जी, बिंदिया और दूसरे गवाहों के बयान के मुताबिक खून ठीक शाम को 6:30 बजे। जी, जिस वक्त खून हुआ आप वहां मौजूद? जी नहीं। तो फिर आप कहां थे? जी, मैं उस वक्त कुछ दोस्तों के साथ क्लब में ताश खेल रहा था। उनके नाम आपको अच्छी तरह से याद है? जी हाँ। मतलब यह है कि जिस वक्त आप ताश खेल रहे थे उस वक्त ठीक शाम को 6:30 बजे। जी। That's all. Your witness, please. No questions. डॉक्टर साहब, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि जिस शाम को श्यामा का खून हुआ उस वक्त बनारसी लाल कहाँ थे? जी, उस वक्त वो हमारे साथ ताश खेल रहे थे। आपको अच्छी तरह से याद है? हाँ, बिल्कुल ठीक याद है। क्लब में आपके साथ और कौन कौन से साहबान ताश खेल रहे? मेरे साथ डॉक्टर दीनानाथ जी, मिस्टर खन्ना और मिस्टर बनारसी लाल जी। अच्छा, आपको अच्छी तरह से याद है कि बनारसी लाल जी आपके साथ 6:30 बजे ताश खेल रहे? जी, पूरा यकीन है? जी हाँ, पूरा यकीन है। That's all. मिस्टर बनारसी लाल जब आपके साथ ताश खेल रहे थे क्या उस वक्त ठीक 6:30 बजे? जी हाँ। आपको पूरा यकीन? जी हाँ, पूरा यकीन। That's all. साढ़े छह बजे बनारसी लाल क्लब में था और 6:30 बजे श्यामा का खून हुआ। ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? जरूर इसमें कोई राज है। बिंदिया, तुम्हें कुछ कहो। बिंदिया, बिंदिया तुम जानती हो, जरूर जानती हो हमसे कोई गलती हो रही है, कोई ना कोई चीज हमसे छिपी है, अंधेरे में है। बिंदिया, जरा सबर से काम लो और सोचो। बताओ तुम बनारसी लाल के यहाँ कितने दिन से ठहरी हुई थी? 15 रोज से वहां ठहरे हुए थे। और जिस दिन ये वाकया हुआ सारा दिन बनारसी लाल क्या करता रहा? बाहर जो तारा विकास, मुझे पूरा यकीन है कि मोहन ने श्यामा का खून किया और तुम मेरा खून करने वाले हो। करमवीर जी, आप चुप रहिए और वहां जाके बैठ जाइए, समझे आप? हाँ बिंदिया, सारा दिन बनारसी लाल क्या करता? रोज के मुताबिक सुबह चाय पी, दोपहर को खाना खाने आए। दोपहर को वो खुश नजर आ रहे थे लेकिन सुबह को संजीदा थे। सुबह संजीदा इसलिए थे कि उन्हें शायद मालूम हो गया था कि वो शाम को जब क्लब में रहेंगे तो मोहन श्यामा से मिलने आएगा। फिर दोपहर के बाद वो कभी कमरे में घूमते थे और क्लब जाने से पहले भी शायद मालूम हो गया था मोहन श्यामा से छिपकर मिलने आने वाला। परेशानी की हालत में बनारसी लाल की कुछ ऐसी खास हरकत देखी जिस पर तुमने गौर किया? जी, मैंने उन्हें हॉल की घड़ी ठीक करते देखा। मोहन श्यामा से मिलने कितने बजे आता था? 6 बजे। आपका बयान है 6:30 बजे जब श्यामा का खून हुआ बनारसी लाल आपके साथ ताश खेल रहा था। जी, क्या आप बता सकते हैं 6:05 या 6:10 पर कुछ देर के लिए बनारसी लाल बाहर गया हो? जी, 6:05 या 6:10 पर 10-5 मिनट के लिए वो बाहर गए थे, मेरा ऐसा ख्याल है। आपका ख्याल है या आपको यकीन है? बोलिए। जी, मुझे अच्छी तरह याद है वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए, मगर वकील साहब 6:30 बजे जिस वक्त श्यामा का खून हुआ उस वक्त तो वो हमारे साथ ताश खेल रहे थे। आपके क्लब से बनारसी लाल का घर कितनी दूर है? बहुत नजदीक है, यही कोई 5-7 मिनट का रास्ता है। That's all. मिस्टर खन्ना, ये तो ठीक है कि 6:30 बजे बनारसी लाल आपके साथ ताश खेल रहे थे, उसके पहले 6:05 या 6:10 पर कुछ देर के लिए बनारसी लाल बाहर गए थे? गए थे। That's all. उससे पहले 5 या 6:10 पर बनारसी लाल कुछ देर के लिए बाहर गए थे? मेरा ख्याल है कि गए थे। आपका ख्याल है या आपका यकीन है? मुझे यकीन है। मिस्टर बनारसी लाल, जिस दिन खून हुआ शाम को 6:30 बजे आप अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठकर ताश खेल रहे थे। जी, 6:05 या 6:10 पर कुछ देर के लिए आप बाहर गए थे? मुझे याद नहीं। याद कीजिए आप बाहर गए थे या नहीं? मेरा ख्याल है मैं गया था। कहाँ गए थे? मुझे कुछ याद नहीं। सोचिए, ये बहुत जरूरी है। मैं कहीं बाहर चाय या कुछ, देखिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुमकिन है आप घर गए हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं घर नहीं गया था। दिस इज इम्पोर्टेंट मी लॉर्ड। अभी आपने कहा था कि आपको कुछ याद नहीं, फिर आपको ये कैसे याद रहा कि आप घर नहीं गए थे? मिस्टर बनारसी लाल, क्लब से आपका घर कितनी दूर है? जी, यही कोई 4-5 मिनट का रास्ता है। अगर मैं क्लब से आपके घर जाऊं और वापस लौट आऊं 10 मिनट में वापस आ सकता हूं या नहीं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं मैं 10 मिनट में वापस लौट सकता हूं या नहीं? जी हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं?
That's all. मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पति इतनी जल्दी रईस कैसे हो गए? जी ये मैं कुछ नहीं जानती, आप उनसे पूछ लीजिए ना। आपके पति रेस खेला करते थे? रेस? उन्होंने तो आज तक रेस के घोड़े भी नहीं देखे। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने रेस कहाँ खेली? रेस कोर्स में नेचुरली। मेरे कहने का मकसद ये है, किस शहर में? लखनऊ में। मिलॉर्ड, ये शख्स बिल्कुल झूठ बोल रहा है, लखनऊ में उन दोनों रेस बिल्कुल नहीं थी। मैं पूछता हूँ आपने रेस खेली? जी जी नहीं। आपने चोरी की? जी नहीं। तो फिर इतना रुपया आपके पास कहाँ से आया? मिलॉर्ड। बोलिए बोलिए, किसी बेगुनाह की जिंदगी का सवाल है, बताइए। मैं पूछता हूँ इतना रुपया आपको किसने दिया? बनारसी लाल ने। बनारसी लाल ने तुम्हें रुपया क्यों दिए? मिलॉर्ड, जिस रोज ये खून हुआ शाम का वक्त था, 6:10 या 6:15 होंगे कि मैं बनारसी लाल जी के बंगले के आगे से गुजर रहा था। यकायक मुझे बंगले के अंदर से गोली चलने की आवाज आई, मैं कुछ ना समझ सका। थोड़ी देर में मैंने देखा कि बनारसी लाल जी सामने से भागते हुए चले आ रहे हैं। वो घबरा कर मुझसे टकरा गए। उन्होंने मुझसे ये वादा लिया कि अगर मैं ये राज किसी से ना कहूं और उनकी सिलसिले में मदद करूं तो वो मुझे मालामाल कर देंगे। चुनाचे यही हुआ, जिस रोज मोहन को सजा हुई उन्होंने मुझे मालामाल कर दिया। मिलॉर्ड और मिंबराने चूरी, मैं आप लोगों को बिंदिया का बयान याद दिलाता हूँ। जैसे कि उसने कहा था कि बनारसी लाल अपने घर की घड़ी को कुछ ठीक कर रहे थे। मैं पूछता हूँ क्या ठीक कर रहे थे? वो उस घड़ी को 15 या 20 मिनट आगे कर रहे थे, ताकि जब उनके घर की घड़ी में 6:30 बजे हों, आपकी और हमारी घड़ियों में 6:10 या 6:15 का वक्त हुआ होगा। इसलिए वो दुनिया को कह सके कि 6:30 बजे जिस वक्त खून हुआ, उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठकर ताश खेल रहा था। मैं कहता हूं खून बनारसी लाल ने किया है, मगर 6:30 बजे नहीं, करीब 6:15 बजे। मेंबरान ऑफ ज्यूरी, आप लोग आपस में फैसला करके हमें अपनी राय दीजिए। मैं मेंबराने ज्यूरी की मुत्तफिक राय और अपनी राय के मुताबिक मोहन लाल को बाइज्जत बरी करता हूं और बनारसी लाल को। चिरंजी लाल पर झूठी गवाही देने के जुर्म में केस चलाया जाए और दूसरे जुर्म के लिए पुलिस पूरी तरह कार्रवाई करे। मिलेंगे फिर बिछड़े हुए किस्मत ने घर मिला दिया। बहुत शर्मिंदा, मुझे माफ कर दूंगी। जब याद मेरे सताएगी और नींद न तुझ पाएगी तू, क्या बिछड़े